गरीब बच्चों को बांटे वस्त्र, कराया खिचड़ी भोज। नमस्कार, रियो टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। मकर संक्रांति के अवसर पर गरीब बच्चों को नए वस्त्र वितरित किए गए एवं सभी को खिचड़ी भोज कराया गया। यह पहल अर्थ शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा की गई। आपको बता दें कि पूरे देश में अर्थ शक्ति फाउंडेशन की अन्य शाखाओं में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बच्चों को नए कपड़े एवं सभी को खिचड़ी भोज कराया जाता है। इसी क्रम में झांसी में भी गरीब बच्चों को नए कपड़े एवं सभी को खिचड़ी भोज वितरित किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमेश कुलश्रेष्ठ की संस्तुति पर झांसी में खिचड़ी भोज एवं कपड़ा वितरण का आयोजन रोटी कपड़ा दिवस के रूप में अर्थ शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा मनाया गया। देश भर में चल रही अन्य शाखाओं द्वारा समय समय पर कोविड-19 एक्टिविटीज, कोविड चेकअप कैंप, मशरूम प्रोजेक्ट, हेल्थ क्लिनिक एंड फ्री मेडिसिन, फूड एंड क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ शक्ति हेल्थ कार्ड प्रोजेक्ट का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में अर्थशक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव कुणाल सिंघल, संरक्षक समाज सेवी दिलीप पांडे, मुकेश वर्मा, पवन गुप्ता, श्रीमती रेखा कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे। ये एक्चुअली आज रोटी कपड़ा दिवस मना रहे हैं हम लोग इलाही चौराहे पर और मात शक्ति फाउंडेशन के साथ में। एक्चुअली आज जो मकर संक्रांति भी है तो इस पर खिचड़ी वितरण और गरीब आशाए बच्चों को कपड़ा वितरण वगैरह हम लोग ये इलाही चौराहे पर सब पूरे मीडिया क्लब कर रही है। नहीं, ये कितने लोगों के लिए रखा गया? ये करीब करीब 50-60 बच्चों को कपड़े बेचने और बकाया सबको खिचड़ी बेचने। यूएफटी लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।